एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक, दिस इज स्वाति गुप्ता, शैडो द कंटेंट। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली IFRS और US GAAP में क्या सिमिलैरिटीज हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन दोनों को डिफरेंट बनाती है, कुछ एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। ओके, चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले IFRS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। यहाँ पर मैं IAS की भी बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि फॉरेन में दो सीरीज है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और IFRS, पर ओवरऑल इसे IFRS के नाम से कहा जाता है, ठीक है। कभी भी आपको पढ़ने बोले जैसे डिप्लोमा इन IFRS करना है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ IFRS करना है, नहीं, आपको IAS की सीरीज भी पढ़नी होगी। ये सिंपल सा डाउट आता है कहीं पर। तो IFRS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, जबकि US GAAP मतलब यूनाइटेड स्टेट्स का जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। IFRS 140 प्लस कंट्रीज में एप्लीकेबल है, ओके, जबकि US GAAP सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स में एप्लीकेबल है, ओके। आपका IFRS प्रिंसिपल बेस्ड है, प्रिंसिपल बेस्ड मतलब एक जनरल पॉलिसी बताता है, जनरल गाइडलाइन देता है, और उसको आपको बहुत सारी सिचुएशंस पर अप्लाई करना होता है, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड होता है। वेरी हम बात करें रूल की, तो US GAAP रूल बेस्ड है, मतलब कि वो हर एक सिनेरियो का स्पेसिफिकली ले डाउन करता है कि क्या एग्जैक्टली रूल है, और ऐसे भी बोलते हैं कि रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। बहुत आसानी से इसके लूप होल्स निकाले जा सकते हैं, इसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, समझते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या है, फ्लेक्सिबल है, ऑप्शंस देते हैं, आगे एग्जाम्पल में भी समझेंगे कैसे एग्जाम्पल ऑप्शन देते हैं, ठीक है। पर अगर प्रिंसिपल बेस्ड है तो आपको क्या रहता है, फ्लेक्सिबल है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन दिए जाते हैं। Whereas, अगर रूल बेस्ड है तो रिजिड है, आपको ऑप्शंस नहीं है, ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, चॉइसेस नहीं, ठीक है। अब सिंस प्रिंसिपल बेस्ड है, जेनरिक है, प्रिंसिपल बेस्ड मतलब जनरल गाइडलाइंस दे रखी है, ओके। अब सिंस जनरल गाइडलाइंस दे रखे हैं, जो सिनेरियो स्पेसिफिक नहीं है, केस स्पेसिफिक नहीं है, इसका मतलब जो पूरे प्रिंसिपल्स होंगे, जो पूरे स्टैंडर्ड्स होंगे, वो थोड़े से क्वांटिटी में छोटे होंगे, क्वांटिटी में कम होंगे एज कम्पेयर टू रूल बेस्ड, क्योंकि रूल बेस्ड आप समझेंगे एग्जैक्टली स्पेसिफिक है केस से, सिनेरियो से, इसका मतलब बहुत ज्यादा लार्ज, बहुत ज्यादा ह्यूज वॉल्यूम है, तो अगर कंपेयर किया जाए तो ये कंडेंस्ड है, लेसर इन क्वांटिटी है। वेरस अगर US GAAP की बात करें तो ये क्वांटम में ज्यादा है, ओके, रिजिड है। नेक्स्ट, IFRS सिंस 140 कंट्रीज में एप्लीकेबल है, तो ये कन्वर्जेंस को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है, मतलब हर एक कंट्री एज इट इज कॉपी पेस्ट ना करे और थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर अडॉप्ट कर सकती है। जैसे इंडिया में हम बात करें तो इंडियंस बोलते हैं अडॉप्ट किया है IFRS से, दे आर कन्वर्ज्ड फॉर्म ऑफ IFRS, क्यों, क्योंकि कुछ चेंजेस किए, उन चेंजेस को कहा जाता है कार्व इन और कार्व आउट, समझ आ रही बात। तो हमने बोला कन्वर्जेंस, इसका एम है हार्मोनाइज करना, क्या करना, हार्मोनाइज करना बहुत सारे स्टैंडर्ड्स को, बहुत सारी कंट्रीज को, इनको इनके बीच में एक सलह लेकर आना, एक आप बोलते हैं सेम लेवल पर लेकर आना, ठीक है, डिस्प्यूट्स कुछ है या फिर अलग अलग उनके ओपिनियंस है, एज इट इज एप्लीकेबल नहीं हो सकता क्योंकि उस कंट्री का सिनेरियो अलग है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, कन्वर्जेंस प्रोवाइड करता है, और इसका एम है हार्मोनाइज करना, ठीक है। जबकि हम यहाँ पर बात करें US GAAP की, तो ये कन्वर्जेंस के लिए नहीं है, ये उल्टा ऐसे बोलता है, अलग ही रूल्स बताता है, डाइवर्जेंस, allows more divergence, ज्यादा से ज्यादा क्या अलग कर सकते हो, ठीक है, इसे promote करता है, convergence promote नहीं करता, okay? कोई और country इसको as it is copy paste नहीं कर सकती, adopt नहीं कर सकती, ठीक है। IFRS issue करता है, कौन issue करता है, IASB, International Accounting Standard Board, जबकि आपका US GAAP कौन allow करता है, कौन publish करता है, कौन issue करता है, FASB, Financial Accounting Standard Board, ठीक है, ये एक ही कंट्री पे एप्लीकेबल है, जबकि इंटरनेशनल वाला क्या है, ग्लोबल है, गुड, इतना समझ आ रहा है, बेसिक क्लियर हुआ। IFRS ब्रॉड है, ज्यादा पर एप्लीकेबल है, फ्लेक्सिबल है, व्हेयरएज US GAAP एक ही कंट्री में एप्लीकेबल है, रिजिड है, ठीक है, क्वांटिटी में ज्यादा है और डाइवर्जेंस प्रमोट करता है, कन्वर्जेंस नहीं, हार्मोनाइज नहीं करता, ठीक है। ये अगर बातें क्लियर होती है तो हम कुछ एग्जांपल्स का सपोर्ट लेते हैं, जिससे हम एग्जैक्टली लिस्ट डाउन करेंगे कि क्या सिमिलर बातें हैं और एग्जांपल क्या डिफरेंट बातें हैं, ठीक है, चल एग्जांपल हम बात करते हैं IFRS। तो IFRS बोलता है फीफो मेथड ले लो या फिर वेटेड एवरेज मेथड ले लो, ऑप्शन देता है, व्हेयर एज US GAAP
ऑप्शन टिपिकली रिक्वायर्स यूज ऑफ फीफो, ज्यादातर प्रमोट करता है कि फीफो ही लेना, अनलेस एंड अंटिल कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट हो रहा है, कंडीशन उसने ले डाउन करी वो मीट हो रही, तो ही आप वेटेज एवरेज यूज कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। समझ आती है हमें बात? तो यहाँ पर ये बोलता है ऑप्शन देता है फ्री ऑप्शन, जबकि यहाँ पर ज्यादातर हाईली प्रेस्क्राइब्ड है, हाईली यूज कौन सा है फीफो, और दूसरे क्राइटेरिया अनलेस एंड अंटिल स्पेसिफिकली मीट हो तभी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, प्रोहिबिटेड है, आप यूज नहीं कर सकते आईएफआर से, व्हेरएज यूएस गैप इसको अलाउ करता है कि आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल रिसर्च का कॉस्ट है, तो आईएफआरएस ने कहा कि हमेशा पीएनएल में चार्ज करो कोई दिक्कत नहीं, हमेशा पीएनएल में चार्ज करो कोई दिक्कत नहीं। यूएस गैप बोलते हैं हाँ रिसर्च को, रिसर्च के कोई भी एक्सपेंस है कोई भी कॉस्ट है पीएल में चार्ज करो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये सिमिलर बात है, क्या है सिमिलैरिटी। व्हेरएज डेवलपमेंट कॉस्ट, R&D की कॉस्ट होती है ना, रिसर्च होती है जिसमें आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, डिस्कवर करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, कुछ प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। डेवलपमेंट मतलब एग्जैक्टली अब अगर पता चल गया तो उसका प्रोडक्शन करना इज नोन एज डेवलपमेंट। ओके, उसका स्टार्टिंग वाला प्रोटोटाइप बनाना भी डेवलपमेंट में ही आता है, और फाइनली मास प्रोडक्शन करना भी उसके डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, तो IFRS कहता है इनटेंजिबल असेट के अंदर हम जब पढ़ते हैं तो IFRS कहता है कि अगर डेवलपमेंट कॉस्ट था तो एक पायरेट क्राइटेरिया है, अगर वो फुलफिल हो तो आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हो। जैसे ही वो इनटेंजिबल असेट का रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा, आप तब तक के लिए एक्सपेंस ही क्लेम करेंगे, एक्सपेंस की तरह पीएल में चार्ज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट है कि आपका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है या नहीं। अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा तब तक का सारा डेवलपमेंट कॉस्ट क्या करेंगे हम पीएल में लेकर जाएंगे। समझ रहे? एग्जांपल बहुत सारे रिसर्च डेवलपमेंट चल रहे, प्रोटोटाइप बन गए, 5 प्रोटोटाइप बन गए और फेल हो गए, 6ठा प्रोटोटाइप बना और वो क्या हुआ सक्सेसफुल एप्लीकेबल है कि हाँ ठीक है, और इसके लिए हाँ बोल दिया कि हाँ अब इसका मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे। ठीक है, इसका कॉस्ट एस्टिमेट हो सकता है। ये बातें जैसे ही डिस्कस होती है, जैसे ही डिसाइड होती है, वैसे हम बोलते हैं रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो गया। पहले 5 प्रोटोटाइप्स का खर्चा किसमें जाएगा, डेवलपमेंट कॉस्ट है, फिर भी पीएल में जाएगा, जबकि 6th ऑनवर्ड्स और जो मास प्रोडक्शन का खर्चा है वो कैपिटलाइज हो सकता है। गुड, नेक्स्ट हमने बोला यहाँ पर डेवलपमेंट कॉस्ट 99% या फिर आप बोल सकते हैं ज्यादातर मैक्सिमम केसेस में हमेशा पीएल में ही जाती है। ठीक है, पर कैपिटलाइज हो सकती है, अलाउड है, बट वेरी एक्सेप्शन केसेस, बहुत रेयर चांसेस है, वेरी रेयर चांसेस कि ये कैपिटलाइज हो भी सकती है। कैपिटलाइज होना मना नहीं है पर बहुत रेयर चांसेस है अगर कंपेयर किया जाए IFRS से। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो आप अगर यूएस गैप फॉलो करेंगे तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आपकी पीएल में कॉस्टिंग ज्यादा रहे, क्योंकि कैपिटलाइज होने के बहुत रेयर चांसेस है, जबकि अगर आप IFRS फॉलो करेंगे तो बहुत हाई चांसेस है जैसे ही रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हुआ आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, मतलब पीएल में खर्चा कम जोड़ा जाएगा, तो इन दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी चेंज होती है। ओके गुड, नेक्स्ट 5th पॉइंट बोलता है कि आप IFRS अगर फॉलो करें तो IFRS एम्फसाइज करता है, IFRS हाईली प्रेस्क्राइब करता है बहुत रिपीटेडली कि हाँ फेयर वैल्यू पर मेजर करो, फेयर वैल्यू पर मेजर करो, फेयर वैल्यू पर मेजर करो, जबकि आपका यूएस गैप बोलता तो है IFRS की तरह कि फेयर वैल्यू पे मेजर करो, पर बहुत रेयर जगह पे बोलता है। हमने बोला अलाउस फेयर वैल्यू मेजरमेंट बट वेरी रेयरली, बहुत रेयर केस में, बहुत लेस चांसेस, बहुत लिमिटेड चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स किए वो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है, मतलब आपका इंटेंशन उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करना नहीं है, इंस्टेड जैसे ही आपको लगेगा कि अगर अच्छा कैपिटल इंक्रीज हो रही है मार्केट में, अच्छा रिटर्न आ जाएगा, आप उसे सेल आउट करके डिफरेंस का गेन और बेनिफिट लेना चाहते हैं, इसको बोलते हैं हम हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, मस्ट रीवैल्यू, अब हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो यहाँ पर बोलते हैं रीवैल्यू करो फेयर वैल्यू पर, हमेशा हर रिपोर्टिंग डेट पर बार बार उसको फेयर वैल्यू पे रिपोर्ट करो जब तक उसको सेल आउट नहीं करते। जबकि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग यहाँ पर बोला कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग एक तो ज्यादातर कॉमन ही नहीं है, और उसके बाद में भी जनरली आप बोलते हो कि फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना, इंस्टेड हिस्टोरिकल कॉस्ट को ही फॉलो करो। ये डिफरेंस है किसमें IFRS और यूएस गैप। एक और
देखते हैं हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आईएफआरएस में कोई सेपरेट लाइन नहीं होती जब आप पीएल और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं और फिर फाइनली टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एड अप करते हैं, फाइनल फिगर आता है, कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की लाइन स्पेसिफिकली आप नहीं दिखाते। मान लो कोई अनयूजुअल आइटम है, प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, गेन हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, अगर कोई सेपरेट अनयूजुअल आइटम है आप उसे पीएनएल में शो करते हो, सेपरेटली शो करते हो, पर हेडिंग नहीं डालते एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की। गुड, हम यहाँ पर बात करें यूएस गैप की। तो यूएस गैप कहता है कि पहले एक सेपरेट लाइन आइटम थी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कुछ भी अनयूजुअल आइटम था, ट्रांजेक्शन था, एक्सपेंस हो चाहे इनकम हो, वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का लेबल लगाना पड़ता था और फिर उसके अंडर, उस हेडिंग के अंदर आपको नोट डाउन करना पड़ता था, शो करना पड़ता था, प्रेजेंट करना पड़ता था, ठीक है। पर फ्रॉम 2015 इन्होंने बोला कि यहाँ से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की लाइन हट गई है, लेबल हट गया है। मतलब अब अगर आज की डेट में कंपेयर करें तो बहुत सिमिलर है दोनों ही केसेस में, चाहे आईएफआरएस हो चाहे यूएस गैप हो, दोनों ही केसेस में दोनों के जब पीएल और ओसीआई का स्टेटमेंट बनता है तो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की लाइन नहीं है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स थी जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को हाईलाइट करती है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आएगा, ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें, ठीक है। और अगर आप इसी सिंप्लीफाइड वे में पूरे कोर्सेज को पढ़ना चाहते हैं, आईएफआरएस को डीप में पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हो चाहे स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं चाहे हिंदी में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर से चेकआउट करें, वहाँ पर लिंक्स दे रखे हैं, आप उसके थ्रू ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है, क्लास प्लस नाम से ऐप है, आपको लॉग इन करते वक्त ऑर्गेनाइजेशन कोड HSGGO डालना पड़ेगा और फिर अपने मोबाइल नंबर और ओटीपी से लॉग इन करना पड़ेगा। वेयरएज एंड्रॉइड्स की बात करें, जो प्ले स्टोर होता है उसको स्टे अहेड नाम से अवेलेबल है ऐप, आप उसे डाउनलोड करें और नॉर्मल अपना नंबर और मोबाइल और ओटीपी डालकर आप उसे लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने आगे के वीडियोस में, टिल देन टेक केयर, बी सेफ।